हेलो सिक्स क्लास, दिस इज़ योर मैथ सब्जेक्ट। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज ऑफ मैथ 2.E। एज यू कैन सी, दिस इज योर मैथमेटिक्स बुक। ओपन इट नाउ। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स। क्लोजियर प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द कोशेंट ऑफ टू होल नंबर्स व्हेन वन इज डिवाइडेड बाय द अदर is not always a whole number. See the example, 16 divide 2 equal to 8, so 8 is a whole number. Then 13 divide 5 equal to 13 upon 5, so 13 upon 5 is not a whole number. Now next, commutative property. Division is not commutative for non-zero whole numbers. If A and B are whole numbers, then A divide B not equal to B divide A. So see the example, 14 divide 2 equal to 7 and 2 divide 14, answer is 1 by 7. सो बोथ कंडीशन में हमारा आंसर इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स, देन ए डिवाइड बी देन डिवाइड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। सी द एग्जांपल, इफ वी डिवाइड फर्स्टली 20 डिवाइड 4 देन डिवाइड 5, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट, इफ वी डिवाइड फर्स्ट 4 डिवाइड 5 देन डिवाइड 20, सो आंसर इज 25। सो बोथ कंडीशन में हमारा आंसर सेम नहीं है। नाउ नेक्स्ट, डिवीजन बाय 1, एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द कोशेंट एज द नंबर इटसेल्फ। मींस ए डिवाइड 1, आंसर इज ए। सी द एग्जांपल, 15 डिवाइड 1 इक्वल टू 15। इफ वी डिवाइड 314 डिवाइड 1, सो आंसर इज 314। नाउ नेक्स्ट, डिवीजन बाय नंबर इटसेल्फ। Any whole number other than 0 divided by itself gives 1 as the quotient. If A is any whole number other than 0, then A divide A equal to 1. So see the example, 23 divide 23, so answer is 1. Similarly, 527 divide 527, so answer is 1. Next, 0 divided by whole number. If 0 is divided by any whole number, the result is always 0. If A is any whole number other than 0, then A divide A equal to 0. See the example, 0 divide 13, so answer is 0. 0 divide 29, so answer is 0. Now next, division by 0. Division by 0 is not defined. If A is any whole number, then A divide 0 is meaningless. Now next, division algorithm. If A and B are two whole numbers such that A is greater than B, and on dividing A by B, let Q be the quotient and R be the remainder. Then we have, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, A equal to B multiply Q plus R. This result is known as division algorithm. Okay. Now इसको हम simply form में हम कैसे समझेंगे? डिविडेंट इक्वल टू होता है बेटा, डिवीजर को हम कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रिमाइंडर जो हमारा होगा उसको हम प्लस कर देंगे। सी द एग्जांपल, डिवाइड 4500 बाय 55 एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। ऑन डिवाइडिंग 4500 बाय 55 वी हैव, नाउ हम डिवाइड करेंगे बेटा, सो हम फाइंड करेंगे कोशेंट इक्वल टू 81 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 45। नाउ वेरिफिकेशन के लिए हम करेंगे डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिवीजर इज 55 एंड कोशेंट इज 81 एंड रिमाइंडर इज 45। सो फर्स्टली हम 55 मल्टीप्लाई 81 करेंगे, सो आंसर इज 4455 देन प्लस 45, सो आंसर इज 4500। ये हमारे इक्वल टू है डिविडेंट के। ओके, नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.E। क्वेश्चन नंबर ए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। सो इनमें से हमें चार ऑप्शन दी गई हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करनी है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 10 डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 10,056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। सो इसके लिए बेटा हम फर्स्टली डिवाइड करेंगे 23 को 10,056 से, सो आवर क्वेश्चन इज 4037 एंड रिमाइंडर इज 5। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 23 में से जो हमारा रिमाइंडर 5 है उसको हम लेस कर देंगे, सो आंसर इज 18।
Now B option is correct. Okay. Now question number 3. The largest number of 6 digit which is exactly divisible by 16 is. So 6 digit number, largest number is 999,999. So इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से. So our quotient is 62,499 and remainder is 15. So next step is our 999,999 में से हम 15 less कर देंगे. So our answer is 999,984. So C option is correct. Now question number 4, if dividend equal to 199, quotient equal to 16 and remainder equal to 7, then the divisor is. So, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले में हम इनको पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को. So, our answer is 199 minus 7, then divide 16. So, answer is 12. So, C option is correct. Now, B part solve the following. First question is, find the value of the following. A part is 3,419 divide 1 equal to, answer is 3,419. Now B part 1,264 divide 1,264, हम similar number को divide कर रहे हैं, so answer is 1. Now C part 241 plus 1,060 divide 10. So firstly solve the bracket, divide करेंगे, so हमारा divide करने पर answer आ जाएगा 126, then plus करेंगे 241, so answer is 367. Similarly D part, firstly हम bracket solve करेंगे, so answer is 1. Now next हम minus करेंगे, so answer is 4148. Now E part, firstly bracket solve करेंगे बेटा, 3125 को 25 से divide करेंगे, so answer is 125, then minus करेंगे, so our answer is 1382. Now F part, firstly हम bracket solve करेंगे, both brackets में same numbers हैं, first आप bracket देखेंगे, 1286 को divide करना है, 1286 से, so answer is 1. Similarly, 8,913 को divide करना है, 8,913 से, so answer is 1. So 1 divide 1 equal to, answer is 1. Second question, divide the following and check the result by division algorithm. A part is 88,899 divide 77. So firstly, हम divide करेंगे, then quotient is 1,154 and remainder is 41. डिवाइड करने के बाद बेटा हम वेरिफिकेशन करेंगे, सो उसके लिए फॉर्मूला है डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. नाउ पुट द वैल्यू, 77 मल्टीप्लाई 1154 प्लस 41. सो फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 88,858, देन प्लस 41, सो आवर आंसर इज 88,899. सो ये हमारे डिविडेंट के इक्वल है. ओके, सिमिलरली आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स करेंगे. क्वेश्चन 3, ऑन डिवाइडिंग 74,371 बाय अ सर्टेन नंबर द क्वेश्चंट इज 289 एंड द रिमाइंडर इज 98, फाइंड द नंबर. सो फर्स्टली लेट द नंबर इक्वल टू x, देन पुट द फार्मूला डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर. सो पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, 74,371 equal to x multiplied 289 plus 98. Okay, now x की value find करेंगे, so 289 multiply x equal to 74,371 minus 98, because 98 equal to के other side जाकर minus का हो जाएगा, then minus करेंगे, so 74,273. Now x equal to 74,273 upon 289, because multiply है जो डिवाइड के अदर साइड जाकर इक्वल टू के अदर साइड जाकर डिवाइड हो जाता है, सो आवर आंसर इज 257. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी इन योर बुक, फाइंड द होल नंबर n सच दैट n डिवाइड n इक्वल टू 1. सो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, देन 1 डिवाइड 1 इक्वल टू 1. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5,03,072. इफ वन ऑफ द नंबर इज 316, फाइंड द अदर. लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एक्स एंड वाई इक्वल टू 5,03,072
3072. So 316 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 5,03,072. सो वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 316 मल्टीप्लाई में है, अदर साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो डिवाइड करने पर वाई की वैल्यू हमारी आ गई 1,05,092. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 37. सो फर्स्टली द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 9,999. ऑन डिवाइडिंग 9,999 by 37, डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा 270 एंड रिमाइंडर इज 9. ओके, नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इज 9,999 - 9. सो आवर आंसर इज 9,990. Now seventh question, which least number must be added to 10,560 to get a number exactly divisible by 87. So on dividing 10,560 by 87, so our quotient is 121 and remainder is 33. So यहाँ पर हमें add करना है number. So उसके लिए हम क्या करेंगे, the required number is 87 में से हम 33 less कर देंगे, so our answer is 54. Now, eighth question, the population of a town is 450,772. In a survey, it was reported that one out of every 14 persons is illiterate. In all, how many illiterate persons are there in the town? So, population of a town is 450,772. Now, number of illiterate persons is, divide kar denge hum 14 se, so our answer is 32,198. Okay, now ninth question, a car travels 1736 kilometer in 28 hours. What is the average speed of the car? So distance covered in 28 hours equal to 1736. Now distance covered in 1 hour equal to 1736 / 28, so our answer is 62 kilometer per hour. Question 10, 95 workers in a factory are paid a total salary of ₹8,09,875 every month. If all the workers get the same amount, find the salary of each person. So salary paid to 95 workers is given. Now salary paid to one worker equal to 8,09,875 / 95. So our answer is ₹8,525. Now question number 11. The cost price of 23 TV sets is ₹5,70,055. Find the cost of each TV set. Similarly, बेटा question 10 की तरह होगा ये. Cost of 23 TV sets is given. Now cost of one TV set हमें find करना है. So 5,70,055 को divide कर देंगे 23 से. So our answer is 24,07,085. Okay. Now question number 12, in a cinema hall each row has 30 seats. Determine the minimum number of rows required for 1590 persons at a time. So total seats in a row equal to 30, therefore number of rows required for 1590 persons equal to 1590 / 30, so our answer is 53 rows. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you, students.